हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, अपनी फैमिली के साथ फुल मस्ती कीजिए। और कहते हैं ना, फेस्टिवल जो फैमिली में सेलिब्रेट हो जाता है वो कहीं भी नहीं होता है। और बड़ी फैमिली हो तो मज़ा ही अलग आ जाता है। लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, खींच खिंचाई होती रहती है, लेकिन जो मज़ा बड़ी फैमिली में आता है वो आपको कहीं नहीं आ सकता। तो विश यू मैनी मैनी हैप्पी दिवाली विद फैमिली, ऑल ऑफ यू। चलिए, तो आप दिवाली भी सेलिब्रेट कीजिए और हमारी वीडियो भी देखिए। तो ऐसे में जो है स्टार प्लस पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार शो के प्रोमो आउट हुए हैं। ऐसे में स्टार प्लस की सर्चिंग काफ़ी कम चल रही है। बिग बॉस की मार लगातार शो पर पड़ रही है। बिग बॉस में हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाया जा रहा है, जहाँ पे नील भट्ट और आपकी ऐश्वर्या का ड्रामा काफ़ी हद तक बढ़ गया है। या फिर कह सकते हैं कि जो है आपकी प्रियंका की जो परिणीति की सिस्टर है, तो ऐसे में उनका भी काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि कैटरीना कैफ जो है बिग बॉस में आई है टाइगर 3 की मूवी को प्रमोट करने। सलमान खान के सामने विक्की खुशाल की वाइफ कैटरीना, तो चर्चाएं तो बनती ही है, अब बताने की ज़रूरत नहीं है, सब आप जानते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ, उसी के बीच में स्टार प्लस लगातार अपने पॉपुलर शो की कहानी बताने को तैयार हो रहा है पहले कि ये होने वाला है। ऐसे में मैं सबसे पहले बात करूँगी आपके अनुपमा शो की। अनुपमा शो का प्रोमो आउट हो गया है, जहाँ पे कहानी 5 साल आगे बढ़ गई है, जहाँ पे अनुपमा अमेरिका चली गई है। अमेरिका में जहाँ वो अपने सपने पूरा करना चाहती थी, लेकिन वहाँ वो एक वेटर का रोल करती हुई नज़र आ रही है। उसी के बीच में कहीं ना कहीं वो काफ़ी चीज़ों को मिस कर रही है, चेहरे पर काफ़ी उदासी छाई हुई है। कह सकते हैं काफ़ी सवाल प्रोमो में खड़े हुए हैं कि अनुपमा अमेरिका में डांस की प्रैक्टिस के लिए गई थी, लेकिन यहाँ तो वो जो है वेटर का काम कर रही हैं। दूसरा, वो अपनी छोटी अन्नू को याद करती है। ऐसी क्या मजबूरी है, क्या अनु अब जो है अनुपमा के साथ नहीं है? तीसरा, मान अलग क्यों हुए, इतना प्यार, इतना सब कुछ अचानक? तो आपको ये सब चीज़ें जो है शो में जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में इसकी जो डिटेल की क्लिप है वो मैंने आपको कल दे दी थी, आप देख लीजिए, नाइट में ही दी थी। अब बात आती है टीआरपी की, तो टीआरपी अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसके मुकाबले पे बिग बॉस खड़ा है। अनुपमा की टीआरपी काफ़ी डाउन हो रही है, इसी वजह से ये प्रोमो 5 साल का दिया गया है, जहाँ पे फैंस ने भी बोला जब अमेरिका जाना चाहिए था जब गई नहीं, अब राजन शाही दिखा रहे हैं। तो काफ़ी कुछ फैंस ने अपने दिल की बातें कही हैं। उम्मीद है कि शायद टीआरपी बढ़ जाए, हर शो में लीप के बाद टीआरपी बढ़ती है, और ये तो अनुपमा है जिसकी सर्चिंग बहुत ज़्यादा है, तो इसकी टीआरपी बढ़ेगी बढ़ेगी। अब बात आती है दूसरा, गुम है किसी के प्यार में। भाई गुम जो है काफ़ी हफ्तों से नंबर 1 पे बना हुआ है, लेकिन अभी कुछ टाइम से उसकी स्टोरी थोड़ा सा जो है बोर कर रही थी, तो टीआरपी डाउन होने के चांसेस है। इसीलिए रीवा को जल्दी से ये लोग ले आए हैं, क्योंकि इनको पता है वर्ल्ड कप है, बिग बॉस है, पूरी टीआरपी खींचने की कोशिश करेगा। ऐसे में जो नंबर 1 पे होता है वो पूरी कोशिश करता है मैं नंबर 1 पे रहूं। तो ऐसे में आप कहेंगे बिग बॉस तो 10 बजे आता है, गुम है किसी के प्यार में 8 बजे आता है। तो डियर, आपको बता दें, यहाँ पे बात आ रही है पोजीशन की, कि वो हमेशा नंबर 1 पे बना रहता है। वो चाहता है कि जो है बिग बॉस अगर आए तो उससे काफ़ी पीछे हो, ऐसा नहीं 1 पॉइंट से पीछे है, 2 पॉइंट से पीछे है। तो इसीलिए रीवा की एंट्री कराई गई है, जहाँ पे प्रोमो में जो है ईशान के मन में तो जो है आपकी सावी है, लेकिन जुबा पे रीवा है। अब रीवा अभी तक आपको पॉजिटिव रोल, एक अच्छे विचारों वाली लड़की लगी है, लेकिन इसी शो में वो काफ़ी बड़ा नेगेटिव रोल करने के लिए पैदा हो चुकी है।
अब बात आती है इसकी टीआरपी की, तो रीवा की एंट्री टीआरपी बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, क्योंकि जब तक शो में ट्रायंगल लव शुरू नहीं होता टीआरपी बढ़ती ही नहीं है। ऐसे में जहाँ पे ईशान और सावी की लव स्टोरी शुरू ही हुई थी कि रीवा की एंट्री हो गई, और जब रीवा गई थी तो ईशान और सावी की लव स्टोरी शुरू होने वाली थी। तो ऐसे में तूफान काफ़ी तेज़ी से आने वाला है, उम्मीदें हैं टीआरपी 2.5 तक जाएगी। अब बात आती है आपके तीसरे बड़े शो की, वो है आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है, जहाँ पे अक्षरा आपको जो है वकील का रोल करते हुए नज़र आ रही है। न्यूज़ आ रही है खबरों की मानो, अक्षरा ने लास्ट शूट कर लिया है ऑफ आपकी प्रीति अमीन ने, क्योंकि जो है ये जो कॉर्ड ड्रामा है इसमें जो है अक्षरा की मौत दिखाने वाली है। भाई देखना होगा वो कौन से गुंडे कौन से हैं जिनका वो केस लड़ रही है, और फिर क्या होता है, फिर उसी से जो है अभीरा की ज़िंदगी बदल जाए। फैंस को पहले ही सारी स्टोरी प्रोमो में नज़र आ रही है, जैसे कि शादी का ट्रैक दिखा दिया था फर्स्ट प्रोमो में ही, जहाँ पे घर वालों के विचार दिखा दिए थे फर्स्ट प्रोमो में ही, जहाँ पे आपको अभीरा की सोच दिखा दी थी फर्स्ट प्रोमो में। राजन साई ने सबसे बड़ी गलती कर दी कि फर्स्ट प्रोमो में ही सब कुछ दे दिया। अब जो ये प्रोमो आ रहे हैं बीच के प्रोमो हैं, कहानी तो उन्होंने लास्ट तक की बता दी है जहाँ पे कहानी नई शुरू होगी। तो ऐसे में जो है ये प्रोमो थोड़ा सा डीले पड़ गया है, या कह सकते हैं कि पहले प्रोमो के अकॉर्डिंग ये प्रोमो इतना ज़बरदस्त नहीं निकला है। टीआरपी 1.9 बता रहा है। अब बात आती है आपकी उससे बड़े शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, सॉरी ये है चाहते, ये है चाहते का प्रोमो आ चुका है। एक नहीं दो प्रोमो आए हैं, जिसमें पहले प्रोमो में आपके अब जो है प्रवेश मिश्रा और शगुन ने ये बताया है कि अब वो एक नए समय पे मिलेंगे, यानी कि वो आपको 11 बजे मिलेंगे। टाइमिंग जो है 11 बजे रात की है, जहाँ पे अपने फैंस को जुड़े रहने की बात कही है। अब वो 10:30 पे नहीं आएंगे, ये भी उन्होंने बता दिया है। अब बात आती है प्रोमो की, प्रोमो में 5 साल कहानी आगे बढ़ गई है, जहाँ पे एक बच्चा है। अब वो किसका बच्चा है, काशवी का है या काशवी की सौतन का है, ये आपको शो में जोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। ऐसे में जो है शो में लीप के बाद, हर लीप में ऐसा ही होता है, हीरोइन यानी कि कपल जो है अलग हो जाते हैं। आपने जितने भी लीप देखे हैं हमेशा कपल अलग हो जाते हैं और फिर लीप के बाद टकराते हैं, मिलते हैं। इससे फैंस का एक क्रेज़ बन जाता है, यार इनका आमना सामना कब होगा। लेकिन ये है चाहते में डिफरेंस होगा, जहाँ पे आपके कपल तो मिलेंगे, कब मिलेंगे वो देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद बच्चा किसका होगा, क्या वो बच्चा उसी का होगा, लेकिन बदला अदला बदली हो जाएगी बच्चे में, ये सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है। इसमें काफ़ी बड़ा ट्विस्ट आएगा। ऐसे में जो है शो की टीआरपी उम्मीद है कि 1.6 निकल कर आएगी 11 बजे की टाइमिंग में, उम्मीद है 11 बजे, क्योंकि स्टार प्लस पे टीआरपी आजकल अच्छी निकल नहीं पा रही है। जब से आप देख लीजिए एक साल के अंदर 3 शो आए और चले गए, तो ऐसे में उम्मीदें पूरी हैं। तो ये जो है 4 शो के प्रोमो धांसू दिए, तो आपको क्या लगता है, क्या ये फैंस को अपनी तरफ खींच लेंगे या फिर किस हवा में उड़ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, या आपको सबसे अच्छा प्रोमो किसका लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।